नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा महत्व होता है दान देने का, क्योंकि लोग दान देने के बाद अपने लिए पुण्य कमाते हैं और उन लोगों को दान देकर उनका भला करते हैं जिससे कि अपने जीवन को सुखमय बना सके। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें दान नहीं देनी चाहिए और कौन से व्यक्ति को दान देना चाहिए लोगों को ज्यादा पता नहीं होता। लोग किसी को भी जो भी उन्हें करीब नजर आता है वह उसे दान दे देते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे हिंदू धर्म में ऐसी हैं जो हमें दान कभी नहीं करनी चाहिए। आज जानते हैं कि कौन सी चीजें दान नहीं करनी चाहिए इस वीडियो के दौरान। नंबर एक, हम सभी जानते हैं कि दान देने का महत्व हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा माना जाता है, लेकिन हम दान किस व्यक्ति को देते हैं ये हमें पता नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग गरीब देखने में गरीब होते हैं और देखने में लगता भी है। जो लोग सड़क पर रहते हैं लेकिन वह लोग जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं और ऐसे गलत गलत कार्य करते हैं जिसकी वजह से यदि आप उन्हें दान देते भी हैं तो उसका पुण्य आपको बिल्कुल नहीं मिलता और ना ही वो पुण्य में शामिल किया जाता। तो आप कोशिश करें कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी दान ना दें। नंबर दो, आप अपनी कुंडली में सबसे अपना अच्छा ग्रह देख लीजिए। यदि वह ग्रह आपका उच्च पद पर है और उच्च पद पर होने के कारण उससे रिलेटेड यानी कि उससे मिलती हुई चीजें आपको कभी भी किसी को दान नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो कुंडली में उसका उच्च स्थान है वह निचले स्थान पर आ जाएगा और आपके जीवन में समस्याएं पैदा होना शुरू कर देंगी, जिससे आपके जीवन में दुख हो सकता है, समस्याएं आ सकती हैं और उसी कारण से आपका जीवन एक दुख में बन जाएगा। यदि आप खुशियां चाहते हैं तो आप हमेशा दान देते वक्त इन चीजों का खास ख्याल रखें। तीन, यदि आप गुड़, अनाज, गेहूं, सोना चांदी या फिर उससे रिलेटेड जो आप अपनी चीजों में यूज करते हो उन चीज़ों को कभी भी दान में ना दें, क्योंकि ऐसी चीज़ें दान देने से आप अपने भाग्य को खुद ही नाराज कर लेते हैं और आपके भाग्य में जो चीज़ लिखी हुई है वह उस व्यक्ति को मिल जाती है जो उस लायक नहीं होता। तो इसलिए आप कोशिश करते रहे कि ये चीज़ें आप दान बिल्कुल ना दें, क्योंकि दान देना सबसे बड़ा कार्य होता है, लेकिन दान देते वक्त इन चीज़ों का ध्यान देते रहें, क्योंकि यह आपके जीवन में वह सुखमय जीवन की जगह दुख में बदल सकता है और इसी कारण से आपका जीवन दुख में और समस्याओं में ही बीतेगा। नंबर चार, मसूर की दाल और मिष्ठान यानी कि मिठाई में जो भी चीजें मिठाई में आती हैं वह कभी भी किसी को दान नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी चीजें दान करते हैं तो आप अपने जीवन में और अपने शरीर में और भी ज्यादा गंभीर रूप बदल सकते हैं, यानी कि बीमारियों से घिरे हो सकते हैं। यह चीजें आपको बीमारी से ग्रस्त कर देंगी और ऐसी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से आपका पूरा जीवन उसी बीमारी में बीतेगा। तो आप कोशिश करें कि मिठाई या फिर मसूर की दाल कभी भी दान ना दें। नंबर पाँच, हमने अक्सर देखा है कि हमारे घर मेहमान आते हैं, मेहमानों के लिए हम खाना खिलाते हैं और खाना खिलाने के लिए उनके बाद बातें करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद हम उन्हें सौंफ दे देते हैं, क्योंकि सौंफ एक ऐसा पदार्थ है जो आपकी पाचन क्षमता को सही रखता है, इसलिए खाना खाने के बाद कुछ लोग सौंफ खाना पसंद करते हैं। यदि आपके घर मेहमान आए और खाना खिलाने के बाद अगर आप उन्हें सौंफ देते हैं तो वह आपके जीवन में बहुत समस्याएं पैदा कर सकते हैं। सौंफ वैसे मिठास घोलती है, लेकिन यदि आप अपने लिए तय कर रहे हैं तो वह ऐसा टाइम आएगा जब वह व्यक्ति आपके विपरीत खड़ा होगा और आपके ही खिलाफ कड़वे वचन बोलेगा। तो आप कोशिश करें कि अपने मेहमान को खाना खाने के बाद कभी भी सौंफ न दें, क्योंकि यह आपके लिए समस्याएं भरा हो सकता है और आपके जीवन में कड़वे वचन बोलने वाला व्यक्ति और एक और दुश्मन शामिल हो सकता है। ये है वह चीजें जो कभी भी किसी को दान नहीं देनी चाहिए। अगर दान देते हैं तो यह आपके ही जीवन में और भी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।